प्रिंसिपल्स ऑफ सिस्टमेटिक्स मॉड्यूल ट्वेंटी एट इस मॉड्यूल के अंदर हम मार्फोलॉजिकल करेक्टर्स के बारे में जिस तरह के हम लास्ट मॉड्यूल्स के अंदर हमने मार्फोलॉजिकल करेक्टर्स के बारे में देखा इस मॉड्यूल के अंदर भी हम मार्फोलॉजिकल करेक्टर्स को ही कंटिन्यू करेंगे लास्ट मॉड्यूल के अंदर हमने देखा कि एक्सटर्नल मार्फोलॉजिकल करेक्टर्स की क्या इंपॉर्टेंस है इसी तरीके से इंटरनल मार्फोलॉजी या इंटरनल मार्फोलॉजिकल करेक्टर्स टेक्सोनोमिकली इम्पॉर्टेंट होते हैं खासतौर पर अगर हम मैमल्स की बात करें या रेप्टाइल्स की बात करें तो एनिमल्स की जो स्कल है फोसल से जो हमें हार्ड पार्ट्स मिलते हैं खासतौर पर स्कल्स या जो बोन्स मिलती हैं या टीथ के जो स्ट्रक्चर्स हमें फोसल फार्म के अंदर मिलते हैं इनको हम टेक्सोनोमी के लिए यूज करते हैं क्योंकि स्कल की बेस के ऊपर या टीथ की जो मॉर्फोलॉजी है इसकी बेस के ऊपर हम स्पीशीज को आसानी से आइडेंटिफाई कर पाते हैं इस तस्वीर के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे तीन डिफरेंट किस्म की स्कल्स दिखाई गई हैं पहली जो किस्म है एनेस्पिड स्कल जो कि टर्टल्स के अंदर है यहाँ पे जो स्कल है यहाँ पे कोई टेम्पोरल ओपनिंग मौजूद नहीं है जबकि डाइनेस्पिड स्कल जो कि रेप्टाइल्स और बर्ड्स के अंदर मौजूद है यहाँ पे दो टेम्पोरल ओपनिंग्स मौजूद हैं जबकि जो साइनस स्कल जो कि मैमल्स के अंदर है यहाँ पे एक टेम्पोरल ओपनिंग मौजूद है तो स्कल का जो स्ट्रक्चर है ये डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट होता है और इस करेक्टर को हम स्पीशीज़ की आइडेंटिफिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं इसी तरीके से अगर हम मुख्तलिफ़ ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो लार्वल स्टेजेस हैं एम्ब्रियोलॉजी की डिफरेंट स्टेजेस या एग्स की मॉर्फोलॉजी को कंपेयर करें तो वो भी डिफरेंट होती है जिस तरीके से एनोफिलीस मेक्यूलिपेनिस की एग्जाम्पल अगर हम कोट करें तो एनोफिलीस मेक्यूलिपेनिस जो कम्प्लेक्स है इनिशियली ये ख्याल किया जाता है कि एनोफिलस मैक्यूलिपेनिस जो कम्पलेक्स है इसके अंदर छः स्पीशीज थी क्योंकि ये सिबलिंग स्पीशीज मार्फोलॉजिकली सेम होती हैं इनको मार्फोलॉजिकल करेक्टर्स की बेस के ऊपर आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है तो इनिशियली इन तमाम स्पीशीज को एक ही स्पीशीज कंसीडर किया जाता था लेकिन बाद में जब डिटेल स्टडीज की गई तो पता चला कि ये एक स्पीशीज नहीं बल्कि ये तो डिफरेंट स्पीशीज हैं ये कम से कम छः स्पीशीज का एक कॉम्प्लेक्स था और इसकी डिस्कवरी के अंदर इसकी आइडेंटिफिकेशन के अंदर जो एग स्ट्रक्चर था उसने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इसी तरीके से वाइट फ्लाइज जो है इसको उसकी प्यूपा की बेस के ऊपर हम आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसी तरीके से बहुत सारी जो एम्ब्रियोलॉजिकल कंडीशंस हैं जिसके अंदर क्लिवेज ब्लास्टुलेशन गेस्टुलेशन ये तमाम स्टेजेस जो है हेल्प करती हैं ऑर्गिजम्स की आइडेंटिफिकेशन के अंदर इसी तरीके से अगर हम क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर की बात करें तो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर और जो नंबर होता है ये भी स्पीशीज स्पेसिफिक होता है तो इन करेक्टर्स को यूज करके एक स्पीशीज को हम आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो कैरियोलॉजी या जो साइटोलॉजिकल फैक्टर्स हैं इसकी बेस के ऊपर हम क्लोजली जो रिलेटेड स्पीशीज हैं खास तौर पर जो सिबलिंग स्पीशीज हैं उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसी तरीके से इनकी बेस के ऊपर हम फाइलोजेनेटिक लीनिएज एस्टैब्लिश कर सकते हैं तो क्रोमोसोमल जो स्ट्रक्चर या जो उसका नंबर है ये एक इंपॉर्टेंट एक्सोनॉमिक करेक्टर है जो कि आइडेंटिफिकेशन के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है